जय हिंद साथियों। सेना में भर्ती कराने के नाम पर युवाओं से की जा रही ठगी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन तरह तरह की ठगी के मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला यह है कि नामकुम थाना क्षेत्र से कई ऐसे दलालों को अब गिरफ्तार किया गया है और अब इस मामले में रांची के चुटिया थाना क्षेत्र की पुलिस कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि सेना में भर्ती कराने के नाम पर युवाओं को निशाना बनाकर उनसे लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के सरगना संजय मिश्रा को चुटिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संजय मिश्रा की गिरफ्तारी चुटिया इलाके में स्थित आर्मी कैंपस में हुई है। दरअसल आर्मी इंटेलिजेंस के अधिकारियों को सूचना मिली थी कि संजय मिश्रा नाम का एक दलाल कुछ युवाओं को आर्मी कैंपस घुमाने आ रहा है और वो युवाओं को यह दिखाने के लिए आर्मी कैंपस लाया था कि उसकी पहुंच ऊपर तक है और वह यहां पर उन युवाओं को एक अधिकारी से मिलवाने वाला था। लेकिन आर्मी इंटेलिजेंस को इसके बारे में पहले ही जानकारी मिल गई और आर्मी के अधिकारियों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी, जिस पर पुलिस पहले ही चौकन्ना हो गई और दलाल को पकड़ने की पूरी प्लानिंग कर ली। अब जैसे ही दलाल आर्मी कैंपस में पहुंचा तो पुलिस ने उसे धर दबोचा। जानकारी ये भी है कि संजय मिश्रा करीब 50 से अधिक युवाओं से सेना में भर्ती कराने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर चुका है। आरोपी दलाल संजय मिश्रा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का रहने वाला है और दलाल जिन युवाओं को आर्मी कैंपस घुमाने के लिए लेकर आया था वह युवा भी यूपी के ही रहने वाले हैं। पुलिस का कहना है कि ठगी का शिकार हुए युवाओं ने बताया कि उनके अलावा यूपी के दर्जनों ऐसे युवा हैं जिनसे दलालों ने सेना में भर्ती कराने के नाम पर ठगी की है। चुटिया थानेदार वेंकटेश कुमार ने बताया कि संजय मिश्रा से अभी पूछताछ की जा रही है। उसने पूछताछ में अभी कई अन्य साथियों के भी नाम बताए हैं जो इस दलाली के धंधे में शामिल है, लेकिन मुख्य रूप से उसने अभी 3 साथियों के नाम लिए हैं जो पूरी तरह से ठगी के इस धंधे में उसके साथ शामिल है और पुलिस अब उनकी गिरफ्तारी के लिए भी संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस के अनुसार संजय मिश्रा काफी दिनों से ठगी के गिरोह से जुड़ा हुआ है। उसने मेरठ के 5 युवाओं को मेडिकल में पास कराने का झांसा देकर उनसे 5-5 लाख रुपए मांगे थे, जिस पर युवाओं ने कहा कि वह पैसे तभी देंगे जब वह मेडिकल में पास हो जाएंगे। इसके बाद जब वह युवा मेडिकल टेस्ट में शामिल होने के लिए रांची पहुंचे तो इस दलाल ने उनसे 50-50 हजार रुपये एडवांस में मांगे और कुछ ऐसी बातें भी कहीं जिस पर इन युवाओं को उस दलाल पर शक हो गया। और फिर क्या, इन युवाओं ने इस दलाल की बैंड बजाने के लिए इसकी जानकारी चुटिया पुलिस को दे दी। पुलिस ने युवाओं के अनुसार दी गई जानकारी पर दलाल संजय मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। ठगी का शिकार हुए युवाओं ने पुलिस को यह भी बताया कि दलाल ने उनसे पूर्व में कुछ रुपये एडवांस में ले लिए थे। पुलिस इस मामले में दलाल से गहनता से पूछताछ कर रही है। इस मामले में और भी कई दलालों के नाम सामने आने की संभावनाएं हैं जिन्होंने युवाओं से लाखों रुपये की ठगी की है। साथियों, यदि आपके साथ भी किसी ने ठगी की है और वह अब आपके पैसे या आपके दस्तावेज नहीं लौटा रहा है या फिर कोई आपको सेना में भर्ती कराने के नाम पर आपसे पैसे मांग रहा है तो आप ऐसे लोगों के खिलाफ आज ही अपने पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट जरूर दें, क्योंकि साथियों दलाली के इस धंधे को बंद करने में आपके सहयोग की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे तब तक इस दलाली के धंधे को बंद किया जाना संभव नहीं है। इसलिए हम आप सभी युवाओं से कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के चक्कर में आप भूल कर भी मत आ जाना, क्योंकि ये आपको सेना में भर्ती नहीं करा सकते। इनका काम सिर्फ युवाओं से ठगी करना होता है और वह ये बखूबी कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप इन दलालों के चक्कर में भूल कर भी मत आना, क्योंकि सेना में भर्ती आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत अपनी काबिलियत के दम पर ही हो सकते हैं। तो चलिए साथी, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।